कभी ऐसा हुआ कि कुछ आपने कुछ कलर्स अपने कपड़े हैं या ज्वेलरी है, कभी ऐश को कभी कुछ ऐसा लगा हो कि नहीं कुछ कुछ आर्गुमेंट या समथिंग कुछ उनको पसंद नहीं आया हो आपकी कोई कलेक्शंस में? कभी ऐसा नहीं था। नॉर्मली क्या था कि पूरा इन सिनर्जी काम होता था, जो बन रहा है वो कलेक्टिवली बैठ के डिस्कस होता था या उसकी स्केचेस बनती थी या कलर सैम्पलिंग आती थी। तो आफ्टर ऐश्वर्या वाज यू नो सैटिस्फाइड दैट दिस इज व्हाट इज हैपेंड और she would see what JP sir has approved, only then would we go into implementation because we were running against time and we did not have any free time to experiment and delay our progress on the film. So it was always done in tandem. There were collective meetings that took place between the director Aishwarya or Shabana ji or Sunil or Abhishek. It was all collectively done, you know. So matlab banne se pehle uski clarity thi ya uski sampling ho chuki thi या उसकी टेस्टिंग जो कहते हैं कॉस्ट्यूम की। तो स्टार्स भी कभी आपको कुछ एडवाइस करते थे कि उन्हें भी कुछ इस तरह से चाहिए या कभी कुछ? हाँ, उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता था। जैसे उनका जो उन्होंने अल्ता स्टाइल लगाया है वो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन है उसमें, या उनके मेकअप पे उनका खुद का एज एन इन्वॉल्वमेंट तो टोटली थी। एक एक इंसान हमने एक व्हाट यू कॉल विजन क्रिएट कर लिया है, लेकिन फॉर दैट टू बिकम फॉर ऐश्वर्या टू बिकम उमराव जान ऑब्वियसली हर कंट्रीब्यूशन वाज अनइमेजिनेबल एंड the director's imagination on how it should come about. So it was basically a beautiful synergy of, you know, three minds, a person who imagined it, our director, a person who has to become the part, and me who's trying to execute what they are imagining, what my director's imagining, or what, you know, she wants to look like. So there was a beautiful synergy in that, and we always worked in tandem because, like I said, there was no time for trial and error. We had to have everything ready beforehand. So we did not... A, the costumes are so elaborate. We also don't have time ke hum banaye aur phir usko choose kare. To isse pehle, banne se pehle, sab cheez clarity mein hokar tab banti. Agar hum Ash ki dress ki baat kare, jewelry ki baat kare, costume ki baat kare, to ek pressure aap par bhi hoga ki kahin na kahin Rekha ji se comparison hoga, unke look se, phir Ash ke look se. To kahin aap par kuch extra kuch pressure tha? नहीं, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरा जो अप्रोच है या मेरा जो विजन है फिल्म की तरफ, एक तो वो टोटली फ्रेश विजन है और मेरी इमेजिनेशन जो मुझे दी गई है वो मेरे डायरेक्टर की विजन है। तो लाइक आई सेड अर्लियर कि हमें उसको ब्यूटिफिकेशन या सिंप्लीफाई करना है लुक को, तो वो ब्रीफ तो मेरे डायरेक्टर से मुझे क्लियरली मिल रही है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो पुरानी फिल्में आई थी मेरे दिमाग में कभी कंपेरिजन गया नहीं, क्योंकि एक तो काफ़ी सदियां हो गई वो फिल्म आए और वो अपनी जगह ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन आज आज की डेट और आज के हिसाब से और ऐश्वर्या प्लेइंग द रोल इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी फ्रेश रोल, एज इन इट्स अ वेरी फ्रेश हैपनिंग, यू नो, यू कैन नॉट इवन इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर इट सम लाइक वन आई वर्कड ऑन द अदर ताजमहल आई डिड वॉच ऑल द फिल्म्स टू सी व्हाट आई वुड नॉट डू. So how can I make it look fresh? And I succeeded very, very well with it. It had a new vision to it. So in the same manner, we have tried to... Otherwise, what is the point? Agar aapke paas ek documented hai aur aapko wo follow karna hai, to phir challenge kahan hai? Hame to challenge chahiye. Hame to kuch nava chahiye. Aur hame naya banane mein humare paas inspiration bahut hai. Humare director ki imagination itni strong hai. हमारे पास इतने खूबसूरत लोग हैं, हमारे पास ऐश्वर्या राय है, शबाना मैम है, तो फिर वो एक विजन पूरी चेंज हो जाती है, आपका अप्रोच फ्रेश है। क्योंकि एक तो करंटली आप देखिए जो लोग अपने मिडिल एजेस में तब वो फिल्में देख रहे थे, आज वो अब मतलब मच ओल्डर लोग हैं, तो उनकी सेंसिबिलिटी कितनी डिफरेंट है। तो आज के हिसाब से जो मिड 2000s में ये फिल्म बन रही है, तो हमें तो हमने ब्यूटी आर्ट फॉर्म कल्चर एनवायरनमेंट सब फॉलो किया है, लेकिन हमारी विजन फ्रेश है। ओके, एंड आप कुछ शबाना जी की लुक के बारे में बताइए कि किस तरह का लुक। शबाना मैम के साथ काम करके तो ऐसा लगा कि इतने सारे आर्टिस्ट से मैंने काम किया और पिछले 20 सालों में मुझे ये मौका नहीं मिला कि मतलब मैंने शबाना मैम को डिस्कवर नहीं किया, इसका मुझे एक रिग्रेट है। तो मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग है कि मुझे शबाना मैम से मिलना और उनसे सीखना और उनके साथ काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मतलब जैसे यू नो कि पता ही नहीं था कि ये एक पूरा ट्रेजर कहीं पड़ा हुआ है और हमें पता नहीं कि वो ट्रेजर है और हम इंडिफरेंस में चले जा रहे हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, यू नो, जस्ट डिस्कवरिंग हर। शी इज मैग्निफिसेंट टू वर्क विथ,
She is so keen and so involved. As in, उनकी उंगली पकड़ के उनकी लुक हमने क्रिएट की है. वो इतने क्लियर हैं कि उनको क्या चाहिए और उनको क्या नहीं चाहिए. मतलब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इतनी स्ट्रांग थी. वो मार्केट में आते थे साथ में, उनकी मम्मी बैठ के हमको इनपुट्स देते थे कि नहीं ये कर लो आप लोग. तो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लुक को रहा है और फिल्म की तरफ रहा है, दैट्स बीन ट्रिमेंडस. उनकी लुक जो है, मतलब एक बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक है, और हम कहेंगे कि मतलब वो उनका डीवा लुक है फिल्म में, क्योंकि वो शी इज़ यू नो द मेन पर्सन इन द मूवी. उनके लिए बहुत खूबसूरत, उनके लिए भी अलग कलर पैलेट है जो ऐश्वर्या से डिफरेंट है. उनके जो उनकी जो लुक है वो यू नो ब्यूटिफुल ड्रेप्स, ब्यूटिफुल शॉल्स, और मेनली ओल्ड गोटाकारी वर्क और सेमी प्रेशर स्टोन से उनकी लुक हम लोग ने सेट की है, जो डिफरेंट है. एज इन सैम्पलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो टोटली फ्रेश है, हमारे लिए भी वो कम्प्लीटली ओरिजिनल है. और उनको पहनने के लिए भी इन टर्म्स ऑफ उन्होंने इतना खूबसूरती से कैरी किया है कि मुझे पता ही नहीं था कि हिडन मॉडल यहाँ बैठा हुआ है. और उनको देख के मतलब हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हर एक चीज़, यू नो, वी वॉन्टेड टू डू थिंग्स फ्रॉम आवर हार्ट फॉर हर.